तो जुड़ गए सभी। चलो, शुभकामनाओं का संदेश के बाद हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो गुण विज्ञान। तो जैसे षट पदार्थों की हमने निर्देश किया था, कौन कौन से षट पदार्थ है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अभाव पदार्थ जो है वो उत्तर वैशेषिक दर्शनकार मानते हैं, और आयुर्वेद वो नहीं मानता, इसलिए षट पदार्थ जो है वो हम विस्तार से सीख रहे हैं। उसमें से हमने द्रव्य की विस्तार से विवेचन की चर्चा की है, पिछले कुछ लेक्चर्स हमने उसके ऊपर देखे हैं। और द्रव्य में हमने खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, इस प्रकार से नौ द्रव्य होते हैं, और उनमें से पहले पांच जो है आकाश, वायु, तेज, आप एवं पृथ्वी, इनके बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया है। अब उसके बाद अपेक्षा जो शेष नौ द्रव्य, चार द्रव्य है, कौन से? मन, काल, दिशा और आत्मा। इनको हमने बाद में हम समझेंगे, क्योंकि प्रधानता इनमें से जो भी द्रव्य है वो हमें जानने के लिए थोड़ा और आयुर्वेद की परिभाषाओं को निश्चित करना पड़ेगा। इसीलिए और उसकी चर्चा करते हुए भी, अध्ययन करते हुए भी, हमें बार बार गुण, कर्म ये शब्द आएंगे। तो गुण और कर्म हम अच्छे से जाने तो जो शेष द्रव्य है वो और अच्छे से हम समझ सकेंगे। इसीलिए गुण पदार्थ जो है वो आज से हम उसको अध्ययन करने वाले हैं। तो आपके जो भी प्रश्न है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी, ये बहुत अच्छी बात है कि पर्सनल व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछते हैं, और उनकी जो भी शंकाएं हैं, अगर वो संक्षिप्त शंकाएं हैं तो मैं उसका तुरंत जो है वो सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो विस्तार से कुछ समझाने वाली बातें होती है, इसलिए मैं उसको क्वेश्चन और आंसर सेशन में लेता हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। दूसरा पदार्थ है गुण विज्ञान। ठीक है, तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये जो सात पदार्थ है उसमें से गुण पदार्थ जो है वो दूसरा है क्रमशः। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे सिलेबस के जो मुद्दे हैं, पार्ट बी, पार्ट ए में चार द्रव्य जो है हमारे शेष है, अभ्यास उसका करना, अध्ययन करना, अध्ययन अध्यापन उसका बाकी है। फिर भी हम पार्ट बी को समझ रहे हैं, और उसमें से जो चौथा नंबर का मुद्दा है वो है गुण विज्ञान। गुण को हम जानने वाले हैं, विज्ञान शब्द आप जानते हो, विज्ञान यानी विशेषेण ज्ञानम, इन डेप्थ नॉलेज अबाउट गुण वी आर गोइंग टू अचीव और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। उसमें सब पॉइंट्स जो है वो इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन यानी निरुक्ति, संस्कृत भाषा की दृष्टि से वो शब्द कैसे तैयार हुआ है, गुण शब्द, गुण का क्लासिफिकेशन और एन्यूमरेशन, और वह विशेषता न्याय वैशेषिक दर्शनकार चरकाचार्य, और फिर वो गुणों के जो प्रकार है, अर्थ यानी सार्थ गुण, गुरुवादी गुण, परादि गुण, अध्यात्म गुण, दीज आर दी ग्रुप्स और द क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। तो वर्गीकरण और उनकी गुणों की संख्या, ये है 4.1। 4.2 में लक्षण और क्लासिफिकेशन यानी प्रत्येक गुण की व्याख्या, डेफिनेशन या लक्षण, और उसके कुछ उपप्रकार है क्या, उनको हम जानेंगे। और विशेषतः आयुर्वेद शास्त्र जो है उन्होंने सबसे ज्यादा गुणों की संख्या बताई है, वो है 41, 41, उनको हमने जानना है, ये 4.2 नंबर। और 4.2 में क्लिनिकल एप्लीकेशन आयुर्वेद का, आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य रक्षण के लिए, इन 41 गुणों का हमें कैसे उपयोग होगा, उनमें से बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या अप्लाइड एनाटॉमी जैसे आप सीखते हो, ऐसा अप्लाइड एस्पेक्ट जो है गुणों का हम देखेंगे लास्ट में। तो इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमने बार बार ये आपने शब्द या ये सब गणना की है, तो आपको सुनते सुनते ही
बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है जिन्होंने बहुत यानी आत्मीयता से इन विषयों को सीखा है वो तो अभी उनको ये छह पदार्थ जो है वो लिस्ट में आ जाएंगे। तो वैशेषिक दर्शनकार जो है वो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये संख्या बताते ठीक है। इस प्रकार से उनका जो है वो क्रम है समवाय। और चिकित्सक जो है अपने चरकाचार्य आयुर्वेद में वो क्रम बताते हैं सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय। यानी सामान्य विशेष सबसे पहले बताया जो यहाँ पे वैशेषिक दर्शनकार आखिरी में बताते हैं। ये भिन्नता क्यों है वो हमने जाना है उसी वक्त, फिर भी आपको एक बार बता दूं कि प्रयोजन जो है वो भिन्न है। चरक संहिता का प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी वन, और दूसरा है व्याधितस्य व्याधि परिमोक्ष या आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी अगर कोई रोगी है तो उसका रोग दूर करना चिकित्सा करना ये दूसरा प्रयोजन है। और उसके लिए ये जो सामान्य विशेष है ये सिद्धांत उनका विचार हमें सबसे पहले प्रायोरिटी से करना पड़ता है, इसीलिए उनको सबसे पहले समझाया है। अब ये तालिका आपके सामने जो टेबल रखा है वो गुण के बारे में बताने के लिए कि चरकाचार्य तीसरे नंबर पे गुण को रखते हैं, वैशेषिक दर्शनकार दूसरे नंबर पे रखते हैं, तो ठीक है इसी से उसका महत्व जो है क्रम से हमें पता चलता है ठीक है। इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समवाय का कुछ भी महत्व नहीं है, अपने अपना महत्व हर एक को है, फिर भी ये हमने जानना जरूरी है क्रम महात्म्य या क्रम किस। तो चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में षट कारण इति उक्तम कारणम, चिकित्सा कार्य करने के लिए जो छह कारण आवश्यक है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय या फिर सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय, ये जो क्रम बताते हैं चरकाचार्य उनकी आवश्यकता होती है। और इसीलिए ये धातु साम्य, धातु शब्द से आपको अर्थ ज्ञात हुआ होगा कि सप्त धातु ये तो अर्थ है ही, लेकिन त्रिदोष और मल तीन मल जो होते हैं वो भी सामान्य स्थिति में बैलेंस कंडीशन में वो भी शरीर धारण का काम करते हैं, इसीलिए सामान्य स्थिति में बैलेंस स्टेज में दोष को भी धातु कहा जाता है और मल को भी धातु कह सकते हैं। और ये दोष धातु और मल इन तीनों का साम्य रखना यही चिकित्सा है या सामान्य प्रस्थापित करना। और इसके लिए सामान्य और विशेष ये आवश्यक है द्रव्य सामान्य गुण सामान्य कर्म सामान्य, द्रव्य विशेष गुण विशेष कर्म विशेष, इसको हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। ये आवश्यक होता है चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य रक्षण के लिए, इसीलिए सामान्य विशेष को प्रथम स्थान दिया है। अब गुणों को सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी आहार्य द्रव्य है, हम कोई फल खाते हैं या चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं, वो शरीर में समानता या विषमता पैदा करते हैं। और औषधि द्रव्य भी जो है वो शरीर के जो दोष एवं धातु है उनमें कुछ समानता लाने वाले द्रव्य रहते हैं, कुछ विषमता पैदा करने वाले द्रव्य रहते हैं। तो औषधि द्रव्य है या खाद्य पदार्थ है उनके जो गुण है उनके अनुसार ही शरीर में उसके कर्म हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए स्वास्थ्य के साथ साथ चिकित्सा दृष्टिकोण से गुणों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ठीक है। अभी बहुत बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हम ये दार्शनिक दृष्टिकोण क्यों सीख रहे हैं या गुणों को क्यों सीख रहे हैं, गुण्यते आमंत्रते इत्यादि, ये जो उसकी शब्द की निरुक्ति है या फिर आगे गुण की व्याख्या है सोमवायितु निश्चेष्टाः कारणम गुणाः, इस पद्धति से हम क्यों सीखते हैं। मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि आयुर्वेद अच्छा समझने के लिए हम ये सीख रहे हैं। जैसे अभी आप अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में या क्रिया शरीर विषय में आपके सामने अभी जो स्लाइड है या पीपीटी है उसको अगर आप देखेंगे क्या है उसमें, वात दोष के गुण रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल विशद, ये चरकोक्त गुण लिखे है, स्निग्ध तीक्ष्ण उष्ण लघु सर द्रव्य द्रव और विस्र, ये पित्त के गुण है, कफ के गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण मृदु सांद्र आविल यानी क्लाउडी,
ये गुण है, तो ये हम सीख रहे हैं और इनके अनुसार हम इनका बैलेंस है या ये बढ़े है या कम हुए है, ये सब हम रोगी के शरीर में देखने वाले हैं। तो वात दोष हो, पित्त दोष हो, कफ दोष हो, ये द्रव्य है, ये क्या है, द्रव्य है। उन द्रव्यों के, जैसे आपके सामने अभी पीपीटी है वहां पे गुरु मंद हिम स्निग्ध, ये उस कफ के गुण है, और इन गुणों से वो क्या कार्य करेगा, कोई आप में से बताएगा कफ के क्या सामान्य कार्य है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, कफ के कार्य क्या है? श्लेष्मा स्थिरत्व सिद्धत्व संधि बंध क्षमादि भी। ये सूत्र जो है वो आप कंठस्थ कर लीजिए, वात दोष के स्थान, वात दोष के इंक्रीज साइंस यानी बढ़े हुए लक्षण। हाँ अंकित बताइए। श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंध क्षमादि भी, बराबर। और दूसरी लाइन तत्र रुक्ष लघु शीत खरा, ये शुरू अनिल, ये हो गया गुण, शुरू हो गई इसके वात दोष की। तो श्लेष्मा का कार्य क्या है? स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंध और क्षमा। क्षमा, यस। थैंक यू वेरी मच अंकित। तो ये हमने जाना, ये उसके कार्य है, कर्म है। तो आप समझ गए कि आयुर्वेद में द्रव्य गुण कर्म ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसीलिए हम पदार्थ विज्ञान को हमें अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि वह हमें दृष्टिकोण देता है, हमें किस पद्धति से इस विज्ञान को जानना है वो दृष्टि देता है। अब चरक संहिता का और एक रेफरेंस आपके सामने है, इसमें वात पित्त और कफ के सभी जो है वो गुणधर्म जो है वो बता दे। चलिए आगे चलते हैं, मेरे को आपको यही बताना था सिर्फ कि हम वहां पे घट पट या घड़ा या वस्त्र ऐसे उदाहरण पदार्थ विज्ञान में देखते हैं, तो कभी कभी बच्चों को पता नहीं चलता है, अरे हम ये सीख क्यों रहे हैं। तो वात पित्त कफ दोष धातु और इन सभी चीजों को आगे जाके व्याधियों का भी हमें अभ्यास करना है, डायग्नोस्टिक मेथोडोलॉजी सेकंड ईयर में हमें सीखनी है निदान, तो उसको अच्छे से समझने के लिए हमें ये सब बातें आनी चाहिए। चलिए मुद्दे की ओर जाते हैं, टॉपिक का नाम है इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन यानी इसे निरुक्ति कहते हैं। निरुक्ति यानी संस्कृत भाषा के दृष्टि से वो शब्द कैसे तैयार हुआ है। तो गुण्यते आमंत्रते लोक अनेन इति गुणाः, तो रीजन व्हाई पीपल अट्रैक्ट्स टुवर्ड एनी द्रव्य इज कॉल्ड एज गुण। ओके, सो उस द्रव्य सॉरी उस पदार्थ को गुण कहते हैं। अब देखिए किसी वस्तु में, उदाहरणार्थ अभी आम का सीजन चल रहा है, मैंगो, तो आप उसका क्या देखोगे? कलर देखोगे, उसका वजन देखोगे, आकार देखोगे, उसका बड़ा है छोटा है, फिर आपको उसको एक डजन के हिसाब से उसका मूल्य ठीक है या नहीं है ये जांचोगे, उसका स्मेल देखोगे पका हुआ है नहीं है, फिर वो आर्टिफिशियली पकाया हुआ है या नैसर्गिक पद्धति से नेचुरल पद्धति से वो राइप हुआ है वो देखोगे आप, वो कौन से भूमि से आया है, रत्नागिरी से आया है, देवगढ़ से आया है या फिर और किसी जगह से आया है, कर्नाटक से आया है हापूस, तो ये हापूस उसकी वैरायटी आप देखोगे, ठीक है ना। मतलब गुणों से ही द्रव्य को जाना जाता है। और आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप किसी चार पांच स्टॉल है और उसने आम के स्टॉल लगाए हुए है और सबसे ज्यादा बड़े आकार में उसमें कुछ लाल रंग भी है या केशरी वर्ण भी है और बहुत अट्रैक्टिव है, तो उस स्टॉल की तरफ आप पहले जाओ, ठीक है ना। यानी वो स्टॉल आपको अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि वहां पे जो द्रव्य है उसमें गुण बहुत अच्छे हैं, ठीक है। या कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के बहुत ही हेल्पिंग नेचर होता है, बहुत मृदुता से बात करता है, आप जो कहते हो उसको समझने की कोशिश करता है, उसको सोल्यूशन आपका कोई फ्रेंड उसको देता है हमेशा। ऐसे हमारे कोई परिवार में सदस्य होता है, आपके माताजी पिताजी भी उनमें से, या भाई बहन चाचा भतीजा कोई हो सकता है, तो वो बहुत ही अच्छे नेचर का होता है, उसके गुण बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम उसे हमेशा बात करना चाहते हैं, उससे संपर्क बनाना चाहते हैं। यानी
व्यक्ति आकृष्ट क्यों होता है उस द्रव्य की ओर, तो उसकी गुणों की वजह से। तो संस्कृत भाषा की दृष्टि से वो आमंत्रित लोक यानी इट अट्रैक्ट्स अदर्स, ओके, इसीलिए उसको गुण कहा जाता है। अब गुण जो है, हमने द्रव्य की व्याख्या में उनको समझा है कि गुण क्या है, कि वो द्रव्याश्रित है, इट रिसाइड्स इन द द्रव्य एंड इज डिवॉइड ऑफ एक्शन, लेकिन वो कर्म नहीं है, क्योंकि गुण और कर्म दोनों ही द्रव्याश्रित रहते हैं। गुण और कर्म दोनों ही पदार्थ द्रव्यों में रहते हैं, लेकिन गुण और कर्म दोनों भिन्न है। दैट मीन्स गुण एंड द्रव्य आर कनेक्टेड इनसेपरेबली, समवाय संबंध से गुण जो है वो द्रव्य में रहते हैं। जैसे मैं बार बार बताता हूँ आपको, मिर्ची है, चिली है, अगर वो तीखी नहीं है तो उसका फायदा क्या, हम लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। यानी गुण अच्छे है तो द्रव्य का महत्व है, उसको गुण जो है वो समवाय संबंध से रहते हैं द्रव्यों में। बट गुना डज नॉट पजेस इट्स ओन एक्शन, लेकिन गुण जो है वो कर्म नहीं है। और इसीलिए जो आपको अभी सामने पीपीटी देख रहे हैं उसमें लक्षण है, गुण का लक्षण यानी व्याख्या ये सामने आपके है, समवायी तु निश्चेष्टाः कारणम गुणाः। चरकाचार्य उसकी व्याख्या बताते हैं कि समवाय संबंध से वो रहता है किसमें, हमने देखा द्रव्य में, और निश्चेष्टाः, चेष्टा शब्द जो है वो कर्म के लिए है, लेकिन वो कर्म नहीं करता, कर्म का कारण है। समझ में आया, गुण जो है वो कर्म का कारण है। यानी जैसे मिर्ची का हमेशा मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, मिर्ची तीखी है, उस तीखेपन से पेट में जलन होगी, तो जलन होना ये जो कर्म है, बर्निंग सेंसेशन, इट प्रोड्यूसेस बर्निंग सेंसेशन, ये उसका एक्शन है, कर्म है, तो उसके लिए कारण उसका तीखा गुण है। इसलिए गुण जो है वो कर्म नहीं है, कर्म का कारण है। तो गुण क्या है व्याख्या, चरकाचार्य क्या बताते हैं कि ये ऐसा पदार्थ है जो द्रव्याश्रय यानी द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, यानी अतुट संबंध है द्रव्य और गुण में, और वह कर्म का कारण है, स्वतः कर्म नहीं करता, तो इसलिए निश्चेष्टा शब्द है, लेकिन वो कर्म का कारण है, तो उसको गुण कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब देखिए वैशेषिक दर्शनकार जो व्याख्या बताते हैं, अत्र द्रव्य अथ द्रव्याश्रिता नेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, ये कारिकावली में से आपके सामने व्याख्या है। इसका अर्थ क्या हुआ, द्रव्याश्रिता है, ये शब्द हमें ज्ञात हो गया है, पहला लक्षण है, ये जो पदार्थ ये लक्षण फुलफिल करेगा, ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, उसको हम गुण कहेंगे, द्रव्याश्रय में होना चाहिए। निर्गुण ऐसा शब्द वहां पे होता बताया है, और यही शब्द वैशेषिक दर्शनकार अगुणवान ऐसे बताते हैं, तो द्रव्याश्रयी है और अगुणवान या निर्गुण है, यानी गुणों के ऊपर और निर्गुण रहे, सॉरी गुणों में और गुण नहीं रहते, या गुण के और गुण नहीं होते। यानी जैसे तीखा ये गुण है तो उसमें और कोई गुण नहीं रहता, तीखा स्वयं गुण है। ये क्यों बताया है, क्योंकि वो किसी का आश्रय नहीं है, ये बताने के लिए निर्गुण शब्द बताया। और आगे बताए निष्क्रिया, यानी वह स्वतः कर्म नहीं है, स्वतः कर्म नहीं करता, तो वह कर्मों का कारण है इनडायरेक्टली, तो उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ को गुण कहते हैं। आगे जो ये विश्व लक्षणा गुणा गुणत्व जातिमान गौणत्वाद गुण संज्ञकात् निर्गुणास्तु गुणास्वरता, ये जो है वो सभी परिपूर्ण व्याख्याएं नहीं है, एक एक भाग जो है वो बताती है, इसलिए प्रथम दो व्याख्याएं जो है लक्षण जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप कंठस्थ कर दीजिए। अब विश्व लक्षणा गुणा ये रस वैशेषिक सूत्र जो है ग्रंथ उसमें से व्याख्या है, यानी जाचे लक्षण मराठी में अगर हम समझाए तो अनेक क्यों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जिनके लक्षण, उसको गुण कहते हैं। यानी सभी जो विश्व लक्षण है, यानी हम क्या समझेंगे उसको, कि संबंध विश्व जो है, यूनिवर्स जो है, वही लक्षण युक्त है, या हर एक वस्तु में पदार्थ में गुण है, इसीलिए उसको विश्व लक्षण कहा है। एनीवे, तो ये
प्रशस्त पाद जी भी कुछ व्याख्या गुणत्वम जातिमान या जातिमत्वम इस पद्धति से बताते हैं। गुणत्व जाति से समवाय संबंध आने रहना द्रव्याला सॉरी पदार्थाला गुण मनता। तो ये मेरे ख्याल से संक्षेपतः या अंशतः वर्णन करने वाली व्याख्याएं हैं। पहली दो व्याख्याएं जो है उनको कंठस्थ आप कर दीजिए। अब आगे जाएंगे क्लासिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिक एंड चरक, इस पद्धति से हमें ये टॉपिक है, यानी इसका ट्रांसलेशन क्या है, वर्गीकरण और संख्या किसकी, गुणों की, और न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार एवं चरक संहिता के अनुसार। तो सबसे पहले जो मुद्दा है न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या एवं वर्गीकरण। तो मूल तर्क संग्रह ये जो ग्रंथ है वो बहुत उत्तर काल में हुआ हुआ दर्शन है, हमने कहा वो न्याय वैशेषिक का आधार ग्रंथ है। फिर भी मूल वैशेषिक दर्शनकार जो है वो 17 गुण बताते हैं। मूल वैशेषिक दर्शन जो है, ये वैशेषिक दर्शन सीखते वक्त हमने देखा है और मैंने वहां आपको बताया था कि ये दोबारा हमें आने वाला है। ये 17 जो है वह कनाद महर्षि अपने वैशेषिक सूत्र नामक जो मूल ग्रंथ है उसमें बताते हैं, लेकिन उसके बाद जो फॉलोअर हुए टीकाकार या व्याख्याकार प्रशस्त पाद, उन्होंने 7 गुण जो है वो अधिक बताए। इसीलिए वैशेषिक दर्शन के द्वारा या वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण संख्या हो जाती है 24, ठीक है। तो ये गुणों की संख्या 24 है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। और इस श्लोक को भी ये जो पूरा है इसको आप कंठस्थ कर दीजिए। और मैंने कहा कि वैशेषिक दर्शन का अभ्यास करने के लिए नहीं, केवल प्रथम वर्ष का जो अपना पदार्थ विज्ञान का प्रथम पेपर है उसके लिए इस तर्क संग्रह ग्रंथ के श्लोक हमें महत्वपूर्ण है। तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कारश्चतुर्विंशति गुणाः। तो चतुर्विंशति शब्द संख्यावाचक है, मैंने बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पद्धति से हमने इसका कंठस्थ करना है, क्योंकि वैशेषिकोक्त गुण ऐसे अगर 5 मार्क को आपको ऐसे क्यों आया, तो अगर आप ये सूत्र कंठस्थ नहीं किए हैं, इसको आपने रिसाइट नहीं किया है अच्छे से, तो आप कितना भी कोशिश कर लो आपको ये उसका उत्तर नहीं आने वाला। 24 के 24 आप नहीं लिख पाओगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए आपको कंठस्थ करना जो है या उसको पाठ करना मराठी में आवश्यक है। आवश्यक शब्द के बजाय मैं अत्यावश्यक शब्द का प्रयोग करूंगा, ये बिल्कुल जरूरी सूत्र है आपके लिए, ठीक है। अब जाते हैं चरकाचार्य जी के अनुसार गुणों की संख्या और वर्गीकरण कैसा है। तो गुणों की संख्या टोटल चरकाचार्य सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में बताते हैं। ये भी सूत्र जो है वो आप कंठस्थ कर दीजिए। तो सूत्र स्थान का पहला अध्याय जो है उसमें से काफी सूत्र हमें पदार्थ विज्ञान के लिए लगते हैं। सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादया। तो ये पहले जो है वो क्लासिफिकेशन वो बताते हैं। सार्थ ये पहला प्रकार हुआ, अर्थ यानी विषय, जो पंच ज्ञानेंद्रिय है 5 सेंसरी ऑर्गन्स उनके जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय है, उनको स अर्थ यानी सार्थ गुण कहा जाता है। उनके सिनोनिम भी है, उसको आगे हम देखेंगे। ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा है गुरुवादयो यानी गुरुवादी गुण, जो आपने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिराः, और दूसरी लाइन है गुना स सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्ययाः, ये जो सीखा है वो है गुरुवादी गुण। तीसरा कैटेगराइजेशन है उसको आत्मगुण या आध्यात्मिक गुण भी कहते हैं, और वो है बुद्धि से शुरू होते हैं और प्रयत्न से अंत होते हैं, यानी बुद्धि पहला है और प्रयत्न ये गुण जो है वो छठा है। तो बुद्धि से शुरू होने वाले और प्रयत्न से अंत होने वाले, तो उनको हम 6 कौन से है, इच्छा द्वेष सुख दुख, ये हम आगे देखने वाले, ठीक है। और लास्ट में चौथा कैटेगरी वो बताते हैं परादि गुण,
यानी पर इत्यादि, ये देखिए परादि। तो इस पद्धति से गुणाः प्रोक्ता, ये गुणों का वर्गीकरण बताते हैं। टोटल कितने गुण है? 41। तो सबसे ज्यादा गुण जो है वो चरकाचार्य बताते हैं। आयुर्वेद स्वतंत्र दर्शन, ये जो हमने मुद्दा देखा था वहां भी 41 गुण, सबसे ज्यादा गुण चरकाचार्य जी ने या आयुर्वेद में बताए हैं, इसलिए वो अन्य दर्शनों से अलग है, स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्र भूमिका है, यह हमने वहां पे देखा था। तो ये आपको डिटेल में यहाँ पे पता चला। अब इस एक एक कैटेगरी को बहुत डिटेल से हम देखने वाले। तो ये संक्षेपतः कौन से 17 वैशेषिक दर्शनकार बताते हैं और कौन से 7 उन्होंने ऐड किए हैं प्रशस्तपाद जी ने, वो बताने के लिए एक बुक में से मैंने ये चार्ट दिया है। तो वैशेषिक दर्शन के 17 होते हैं और न्याय दर्शन, और जिनको अभी हमने जो आपको श्लोक कंठस्थ करने के लिए कहा वो है तर्क संग्रह में से वो, या फिर इनको प्रशस्त पादोक्त, कभी कभी तर्क संग्रहोक्त गुण, ऐसे आपको ऐसे क्यों पूछने को आएगा, तो यही 24 गुण आपने पूछा तो लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो गई न्याय दर्शन, क्योंकि तर्क संग्रह ये मूलतः ग्रंथ जो है वो न्याय दर्शन का है, लेकिन न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन मित्र दर्शन होने की वजह से उनको वैशेषिक दर्शन का भी ग्रंथ तर्क संग्रह समझा जाता है, ठीक है। तो ये 24 संख्या। आगे अब चरकाचार्य जो 41 गुण बताते हैं और सार्थ गुण, गुरुवादी गुण, ठीक है, इस पद्धति के वो जो 4 वर्गीकरण किए हैं वो हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गुणों की संख्या वो बताते हैं, तो उसमें अधिभौतिक 35 और अध्यात्मिक 6, ये पहले आप समझ लीजिए। अध्यात्मिक 6 गुण है। तो अधिभौतिक जो है यानी ये फिजिकल हम समझेंगे, इनको मैटर से रिलेटेड है, फिजिकल मैटर या फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ये अध्यात्मिक जो है ये विशेषतः जो आत्मा है, जीवात्मा या परमात्मा, उनसे संबंधित ये 6 गुण है, ठीक है। अब परमात्मा तो अचिंत्य है, निर्गुण है, निराकार है, इसलिए इनको जीवात्मा के गुण समझने चाहिए, आध्यात्मिक गुण या आत्मगुण, ठीक है। अब देखिए अधिभौतिक गुण में फिर उसके 2 प्रकार होते हैं, जिसे विशेष गुण, सार्थ गुण या वैशेषिक गुण ऐसे कहा जाता है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो 5 है, ठीक है। इनको भी हमने विस्तार से देखना है, अभी सिर्फ हम चार्ट समझ रहे हैं। ये फ्लो चार्ट जो है उसको अगर आपने ठीक से एक बार उतार लिया अपने दिमाग में तो ये बहुत आसान होगा आपको, ओके। आगे विशेष गुण के बाद अधिभौतिक गुण में 30 गुणों की संख्या वाला दूसरा ग्रुप आता है, सामान्य गुण। लगभग हर एक वस्तु में, पदार्थ में ये होता है, इसलिए उसको सामान्य यानी कॉमन प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। उसमें से 2 उपविभाग वो बोलते हैं या बताए हैं, ए और बी। ए है गुरुवादी, इसको द्वंद्वज गुण यानी एक के अपोजिट दूसरा है, जैसे गुरु के अपोजिट लघु है, शीत के अपोजिट उष्ण है, तो इसलिए उसको द्वंद्वज गुण कहा है। द्वंद्व युद्ध आपने शब्द सुना होगा कि तुल्य बल होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ऐसे शारीर गुण भी कहते हैं, और एक शब्द यहाँ पे आप लिख लीजिए या आपके नोट्स में, इसको चिकित्सा अधिकृत गुण भी कहते हैं या चिकित्सा उपयोगी गुण भी कहते हैं। जब हम चिकित्सा करते हैं रोगी की या रोग की, उस वक्त हम जब विचार करते हैं तो इन्हीं 20 गुणों का ज्यादा करते हैं, इसीलिए इसको चिकित्साधिकृत या चिकित्सोपयोगी गुण भी कहा जाता है, ओके। तो ये हो गए गुरुवादी गुण। उसके बाद दूसरी बी कैटेगरी आती है, उसको कहते हैं परादि यानी पर इत्यादि। तो पहला गुण पर है, इसलिए इसको पर इत्यादि, पर एटसेट्रा, इस पद्धति से कहा जाता है। तो परत्व अपरत्व फिर एक बार एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन सभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास,
इन 41 गुणों को हम शब्दशः डिटेल में उसके प्रकार भी जानने वाले हैं, उसके उदाहरण भी देखने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में। इसलिए अभी तो सिर्फ इस तालिका में आप उसके नाम ही प्रनाउंस कर दीजिए। इसको सिद्धिचे उपाय पद गुण भी कहा जाता है, माने इन चिकित्सा अधिकृत गुण जो है, चिकित्सा के लिए उपयोगी ये जो गुण है गुरुवादि गुण, उसको सिद्ध बनाने के लिए या यशस्वी बनाने के लिए आपको इन 10 गुणों का भी ज्ञान होना चाहिए। और आध्यात्मिक गुणों जो है इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये 20 है गुरुवादि गुण, यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप लिख दीजिए, और परादि गुण कितने होते हैं 10, और टोटल हो गए 30। ठीक है, तो 30 और ये विशेष गुण 5, ये हो गया अधिभौतिक गुण 35। अब आध्यात्मिक गुण 6 है, बिल्कुल आसान है, दूसरा विंग समझने के लिए शॉर्ट है। तो इसके क्या होते हैं, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। तो सुख दुख फिर द्वंद्व है, अपोजिट है, यानी एक समझ में आएगा तो दूसरा अपने आप समझ में आता है, सुख और दुख। तो ये कैटेगराइजेशन है चरक महर्षि के द्वारा बताया हुआ, और सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादया, ये जो श्लोक है ये आप कंठस्थ कर दीजिए। तो इसको 41 गुण कैसे होते है? ये जो श्लोक है ये आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरी तालिका जो है यहाँ पे आ गई। वैशेषिक दर्शनकार 17, तर्क संग्रह या प्रशस्त पाद जी उसमें 7 जोड़ के 24 बताए हैं, और चरकाचार्य जी जो है वो अधिभौतिक 35, अधिभौतिक और आध्यात्मिक ये दो मेन ग्रुप है, और अधिभौतिक में 30 और 5, यानी 30 सामान्य गुण और 5 विशेष गुण, ये दो सब ग्रुप है उनके। सामान्य में फिर गुरुवादि और परादि 20 और 10, अभी हमने देखे विस्तार से उनकी संख्या और उनके नाम देखे। विशेष गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और आध्यात्मिक गुण जिसे आत्मगुण भी कहते हैं वो है 6, और वो कौन से है अभी हमने देखे, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, इस पद्धति से। एनीवे तो वैशेषिक दर्शनकार इस पद्धति से 17 + 7 = 24 ही बताते हैं, क्योंकि पूर्व वैशेषिक दर्शनकार और उत्तर दर्शनकार न्याय दर्शन से पूछे तो 24 डायरेक्टली है उन्होंने, क्योंकि वैशेषिक दर्शन के बाद न्याय दर्शन का जो है वो निर्माण हुआ है, और चरकाचार्य संख्या 41 बताते हैं। अब देखिए ये 24 तक आके रुक गए, और फिर चिकित्सा के लिए आवश्यक और कुछ गुणों की आवश्यकता चरकाचार्य जी को लगी, इसलिए उन्होंने और 17 गुण जो है वो ऐड कर दिए इन 24 में। ठीक है, और ये 24 वैसे के वैसे भी नहीं बताए, उनके जो है नाम भी अलग अलग है, क्योंकि प्रयोजन भिन्नता है, चिकित्सा करनी है, स्वास्थ्य रक्षण करना है, ये प्रयोजन है। और फिर आप बोलोगे वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन का प्रयोजन क्या था, तो सृष्टि के तत्वों की गणना करना, ये सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई है, निर्माण कैसे हुई है, उनका संचलन किस पद्धति से होता है सृष्टि का, यूनिवर्स का, और उसका लय या विनाश किस पद्धति से होगा, ये जानने के, ये जानना, ये प्रयोजन था वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन एवं अन्य दर्शनों का। आगे जाते हैं, तो ये वही है गुणों के जो मुख्य दो प्रकार है, भौतिक और आध्यात्मिक, और इनके बारे में हमने पहले से देखा है, लेकिन ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। भौतिक गुण कितने हैं, 30 है, ओके, या 35 है, सॉरी 35 है, इसको 30 है या 35 है, 35, 35, यस, कैसे, तो 5 + 30, ओके, और ये 30 कैसे होते हैं, फिर 20, यस 20 और 10, ये पूरा आपको ध्यान में आ गया तो LAQ भी आता है इसके ऊपर विस्तार से, गुण का लक्षण बता के गुण वर्गीकरण विस्तार से लिखे, तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में है, ओके, तो LAQ में भी ये पूरा का पूरा जो चार्ट है वो आपके ध्यान में आ गया, तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते, ओके। अभी कभी कभी क्या होता है, गुणों का वर्गीकरण इस पद्धति से भी, ये भौतिक शब्द निकाल दिया जाता है और डायरेक्टली वैशेषिक सामान्य और आत्म ऐसे भी करते हैं, तो ये तालिका जो है वो आप अपने तरीके से बना सकते हो, इसमें भी 5 आएंगे, फिर 30 आएंगे और फिर 6 आएंगे, ओके। अब
इससे पहले का देखते हैं, कुछ रहना चाहे तो सबसे पहला जो ग्रुप है सार्थ गुण, तो उसको पहले देखेंगे। इस सार्थ गुण को ही सिनोनिम्स क्या क्या है, भौतिक गुण, विशिष्ट गुण या वैशेषिक गुण। ये किसी भी नाम से आप पूछा जाए तो आपको जो ध्यान में रखना है सभी बातें एक ही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांच जो गुण है इनको सार्थ गुण कहा जाता है, क्योंकि अर्थ माने विषय और पंच ज्ञानेन्द्रिय के जो विषय है क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध किसके गुण है, आकाश, वायु, तेज, आप एवं पृथ्वी। तो इन सीक्वेंस दीज आर दी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव सेंसरी ऑर्गन्स। तो उत्पत्ति क्रम जो है पंच महाभूतों में हमने देखा आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, उस पद्धति से ही आयुर्वेद के जो चरक महर्षि है वो इस पद्धति से ही उनको क्रमशः व्याख्यान करते हैं। तो उससे पहला गुण जो आता है इन सार्थ गुणों में, पांच गुणों में से पहला, वो है आकाश का, आकाश महाभूत का शब्द, यानी जिसे हम साउंड ऐसा भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब इनको और एक सिनोनिम है वो यहाँ पे मैंने बताना आपको रह गया, उनको कहते हैं, यहाँ पे नहीं आया वो तालिका में जल्दी में, तो उसको स्वाभाविक गुण भी कहते हैं। तो आज मेरा कर्सर ठीक से काम नहीं कर रहा है, सॉरी माउस, वैसे भी माउस से ये दबा के लिखना इतना मुझे सहज नहीं होता है। तो स्वाभाविक गुण है, इसको चौक और ब्लैक बोर्ड ये अच्छी मेथड है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे यही मेथड हमें यूज करनी होगी, इसका ऑप्शन और कोई नहीं, इसलिए उसको स्वाभाविक गुण भी कहते हैं। नैसर्गतः या नेचुरली दिस प्रॉपर्टीज आर देयर, विशेष गुण कहते हैं इनको, हमने जाना है, वह है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश महाभूत हमें पता है, इसको हमने बहुत अच्छे से जाना है, वो आकाश महाभूत का ये विशेष गुण है, इसीलिए यहाँ पे संक्षेपतः आकाश महाभूत के कुछ अंश यहाँ पे उद्धृत किए हैं। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द जिसका गुण है उसे आकाश कहते हैं, और उसके प्रॉपर्टीज बताए, तच्च एकम, आकाश की संख्या एक ही है, उसके कारण रूप और कार्य रूप ऐसे प्रकार नहीं होते। विभू यानी परिमाण जो परादि गुण में आता है, हम इसको देखने वाले, यानी इसका हम मोजमाप नहीं कर सकते। नित्य यानी उसकी उत्पत्ति विनाश नहीं है, वो अनादि अनंत है। अब सत्व रजतम, ये जो